Hello everyone, welcome to BioPool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और ये हमारी पार्ट 7th वीडियो है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट एक्सेस ऑफ वाटर को लूज करता है फ्रॉम द स्टोमेटल पोर्स। तो ट्रांसपिरेशन पुल की ही वजह से रूट में प्रेशर क्रिएट होता है जिससे आपकी जो रूट्स हैं, रूट हेयर हैं, वो वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम में सेंड करते हैं। तो वाटर की कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो आपके थिन ट्यूब्स में एंट्री करता है जाइलम के? तो तीन प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, कोहेशन, एडहेशन एंड सरफेस टेंशन। तो कोहेशन वो प्रॉपर्टी है जिसमें दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। एडहेशन इज द प्रॉपर्टी इन विच अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द पोलर सरफेस। तो मींस वाटर मॉलिक्यूल के अलावा जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी तरफ जो अट्रैक्शन है वाटर मॉलिक्यूल्स का, दैट इज एडहेशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वाटर मॉलिक्यूल्स की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मिनिमम सरफेस में अटैच रहते हैं। तो सरफेस टेंशन वो टेंडेंसी है लिक्विड की टू श्रिंक इनटू अ मिनिमम सरफेस एरिया। तो ये प्रॉपर्टी आती है कोहेशन की वजह से, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को म्यूचुअली अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं रेदर देन अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर। मींस कोहेशन ज्यादा पावरफुल है देन एडहेशन, जिसकी वजह से आपकी सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी वाटर मॉलिक्यूल्स में आती है जिससे वो एक बबल शेप या स्मॉल ड्रॉपलेट शेप में आ जाते हैं। तो इन प्रॉपर्टी की वजह से जो वाटर है उसमें एबिलिटी आती है टू रेजिस्ट अदर फोर्स एंड एंटर इनटू द थिन ट्यूब्स। अब प्लांट्स की जो कैपिलरी एलिमेंट्स हैं उसमें जाइलम के कंपोनेंट्स आएंगे, आपके ट्राइकियर्स, वेसल्स, जिनसे वाटर ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। अब ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो जाइलम वेसल्स हैं आपके रूट्स में उसमें से पानी ट्रांसफर होगा इनटू द लीफ वेन जब भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होता रहता है आपके स्टोमेटा से बाय ट्रांसपिरेशन, वैसे ही जो आपकी जाइलम वेसल्स हैं उसमें एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे वाटर को पुल किया जाता है फ्रॉम रूट्स टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। अब ये जो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर है एटमोसफेयर में एज कम्पेयर टू सब स्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेल्युलर स्पेस, इसी की वजह से वाटर डिफ्यूज होता है इनटू द सराउंडिंग एयर, दिस क्रिएट्स अ पुल। तो जैसे जैसे अंदर से आपका वाटर बाहर आता है एटमॉस्फेयर में वो एक ट्रांसपिरेशनल पुल जो है वो क्रिएट करता है, और इसी की वजह से आपका जो वाटर है वो जाइलम पोर्शन से आपके रूट पोर्शन से अपर पार्ट में जा रहा है। अब ट्रांसपिरेशन प्रोसेस का इम्पोर्टेंस क्या है और क्या रोल है, क्या फंक्शन है? तो अगर कोई भी वर्ड आपको इसमें से पूछा जाता है तो आपको ये फंक्शन मेंशन करने हैं कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही जो ट्रांसपिरेटरी पुल, जो रूट प्रेशर जनरेट होता है जिससे प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं, सप्लाईज वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर सप्लाई होता है फॉर फोटोसिंथेसिस, मिनरल्स आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द सॉइल टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। इसके अलावा मैंने प्रीवियसली भी बताया था कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस की वजह से जो लीव्स हैं आपका जो अपर पार्ट है एरियल पार्ट प्लांट का वो कूल रहता है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है समटाइम्स 10 to 15 degree बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। तो ये आपने 9th या 10th में भी पढ़ा है व्हाट इज इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो हमने पढ़ा था कि इवेपोरेशन गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट। जब हमारे हाथों में अगर स्वेटिंग हो रही है तो हाथों में से जो स्वेटिंग है जब वो स्वेट इवेपोरेट होगा तो हमारे हाथ ठंडे हो जाएंगे। इसी तरह से आपको और भी एग्जांपल आपने देखे थे अर्दन पॉट के, आपका जो कूलर है जो हम यूज करते हैं समर में, तो ये सब चीजें हैं इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए। तो इवेपोरेशन गिव्स अ कूलिंग इफेक्ट, इसीलिए प्लांट्स के नीचे अगर हम गर्मियों में बैठेंगे तो हमें बाहर से टेम्परेचर थोड़ा कम लगता है। मेंटेन्स द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, तो इसकी वजह से हमें पता है टर्जिडिटी, प्लाज्मोलाइज्ड सेल, तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी बार बार होती रहती हैं प्लांट में, प्लांट सेल या फिर प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है या टर्जिड हो जाता है। तो ये दोनों जो प्रॉपर्टीज
प्लांट शो करता है जब उसके स्टोमेटा में चेंजेस आते हैं, जिससे प्लांट का शेप और स्ट्रक्चर भी मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है। इट हैज एन इनसेटाइबल नीड फॉर वाटर, मीन्स ग्रीडी, लालची। जो वाटर फोटोसिंथेसिस है उसमें तो हमेशा पानी की जरूरत होती है, और फोटोसिंथेसिस लिमिटेड भी हो सकता है अगर पानी की अवेलेबिलिटी आपके पास कम है। तो जैसे रेन फॉरेस्ट हो गए आपके, जो हम एवरग्रीन फॉरेस्ट है, वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि वहाँ अनलिमिटेड वाटर है, तो बहुत ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन भी है और एब्जॉर्प्शन भी है फ्रॉम द सॉइल। अब इसी पे आपके C4 एंड C3 प्लांट्स हैं, जिनके बारे में हम फर्दर आगे चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे कि C3 और C4 प्लांट्स कैसे होते हैं, कौन से प्लांट ज्यादा एफिशिएंट हैं इन मेकिंग शुगर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आपके जो C4 प्लांट है वो यहाँ पे एफिशिएंट है C3 से इन टर्म्स ऑफ फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो C4 प्लांट है वो कम वाटर लूज करके ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में काफी पढ़े जा रहे हैं कि ये सभी न्यूट्रिएंट्स सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, जाइलम में आया, फिर आपके प्लांट में गया। हमने रूट प्रेशर के बारे में पढ़ा, ट्रांसपिरेटरी पुल के बारे में पढ़ा। तो अब यहाँ पे भी यही बातें लिखी है जनरल कि जो प्लांट्स हैं उनका मेन काम है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे फिक्स करना आपके शुगर कंटेंट में, मतलब आपका स्टार्च स्टोर होता है लीव्स में, तो ये इसी को फिक्स करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो प्लांट की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो किससे पूरी होगी? वाटर एंड मिनरल, जो प्लांट को सॉइल से मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स यही लिखे हैं कि सभी मिनरल्स जो प्लांट है वो बाय ऑस्मोसिस एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, नॉर्मली डिफ्यूजन से वो एब्जॉर्ब नहीं होते, कहीं कुछ कुछ मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। तो सभी मिनरल्स पैसिवली एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, कुछ मिनरल्स को एटीपी की जरूरत है, मींस एक्टिवली वो एब्जॉर्ब होंगे इनसाइड द रूट सेल्स जो आपके हैं रूट हेयर है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स। तो जैसा हमने स्ट्रक्चर देखा, ये आपके रूट का एपिडर्मल सेल्स जो रूट हेयर है, फिर आपकी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और वो जो सभी पोर्शन है उनमें हमने दो टाइप के ट्रांसपोर्ट एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट ऑलरेडी कवर किया है। तो जो अपटेक ऑफ आयंस है वो टोटली रिस्पॉन्सिबल है कि आपका आयन कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है, या उसे एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है या पैसिवली ट्रांसपोर्ट होने की जरूरत है। तो जो भी मिनरल्स चार्ज्ड पार्टिकल है वो नॉर्मली मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें ट्रांसपोर्ट होने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट चीज वही है कि जो भी आयंस है वो एब्जॉर्ब होते हैं फ्रॉम द सॉइल बाय पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो रूट हेयर की मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक्टिवली पंप करते हैं आपके आयंस को, मिनरल्स को इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल। अब आपके जो एंडोडर्मल सेल्स हैं अंदर, उनके पास काफी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं उनकी मेम्ब्रेन में, जो हेल्प करते हैं आपके सोल्यूट को क्रॉस करने के लिए अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसा हमने पहले देखा, आपके फैसिलेटेड डिफ्यूजन हो गया, आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया, इन दोनों में आपके स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एक तरह से कंट्रोल पॉइंट्स हैं जो हेल्प करते हैं प्लांट को एडजस्ट करने के लिए कि कौन सी आपको सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करना है, कौन से टाइप के, कितनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करना है, सो दैट इट रीच द जाइलम एंड देन टू द अपर पार्ट ऑफ प्लांट। अब जो रूट एपिडर्मिस है वहां पे एक लेयर होती है दैट इज सबरिन, जो हेल्प करती है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने के लिए आयंस को इन वन डायरेक्शन ओनली। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि जाइलम में यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है, हमेशा सॉइल से आपके रूट्स में जाएगा, रूट से आपके अपर पार्ट में जाएगा वाटर। इसके ऑपोजिट आपका फ्लोयम है जिसमें बाइडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.